नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है. एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं. दीज आर कोरेसिव इन नेचर. नेचर में थोड़े कोरेसिव होते हैं. एसिड्स टर्न्स अ ब्लू लिटमस रेड. एसिड किसमें टर्न हो जाता है, जब उनमें लिटमस मिलाया जाता है तो रेड में टर्न हो जाते हैं. एसिड रेडिली रिएक्ट विद वाटर एंड इवॉल्व अ लॉट ऑफ हीट. एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बहुत हीट जो है हीट जनरेट करते हैं. इफ़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन एन एसिड इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जो अगर ऐसे वाले एसिड को जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. एस एंड इफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. जो एसिड होता है वाटर होता है वो थोड़ा लार्जर अमाउंट में होता है देन द एसिड इज कॉल्ड द डेल्यूट एसिड. तो उसको हम डेल्यूट एसिड बोलते हैं. उसके बाद में है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स. मेटल के साथ जो है क्या रिएक्शन होता है. डेल्यूट एसिड्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एज रिएक्टिंग विथ मेटल्स. डेल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर एक रिएक्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरह से जो है रिएक्शन होता है. हाउ एवर दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड एक्सेट्रा. हालांकि हम बोले कि रिएक्शन जो है वो नहीं होता है. किसके साथ नहीं होता है, कौन जो मेटल होते हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड होते हैं तब इनका रिएक्शन नहीं होता है. रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बोनेट ग्रुप्स इन देम. मेटल कार्बोनेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनेट ग्रुप्स में होते हैं. वो एसिड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोनेट. एसिड जो होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के. एग्जाम्पल के यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इवॉल्व इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किसमें यूज़ की जाती है, एक्सटिंग्विश फायर्स जो होती है मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें यूज की जाती है. ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड से जो है इसका रिएक्शन किस तरह से होता है. एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये क्या फॉर्म करते हैं अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर. एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये दोनों साथ में होते हैं देन इस तरह से ये फॉर्मेशन इनका होता है. उसके बाद में रिएक्शन विद बेसिस. बेसिस के साथ रिएक्शन कैसे होता है, एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर. एग्जांपल ये है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ एसिड्स. एसिड्स सच एज विनेगर आर यूज इन प्रिजर्वेटिव. जो एसिड्स होते हैं ना विनेगर, ये हमें मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में ये जो है हमारे किचन में यूज आते हैं. एसिड्स आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. जैसा कि अभी हमने बात की, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं. सल्फरिक एसिड इज वाइडली यूज इन कार बैटरीज. सल्फरिक एसिड जो होता है वो कार की बैटरीज में जो है काफ़ी मात्रा में जो है यूज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सल्फरिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स, पेंट्स आदि. ठीक है, तो सल्फरिक एसिड इन सब चीज़ों में जो है यूज होता है. उसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, मेटलरी एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. इनके प्योरीफिकेशन में भी जो है नाइट्रिक एसिड यूज होता है. एसिड्स आर ऑल्सो यूज इन रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी जो है एसिड्स यूज होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेसिस. बेसिस की हम प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेज की बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज की. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड शॉर्पी टू टच. बेसिस जो होते हैं थोड़े से कड़वे होते हैं टेस्ट में और छूने पर जो है सोप जैसा फील आता है. दे टर्न ए रेड लिटमस पेपर ब्लू. तो ये किस में इनका कलर कौन सा हो जाता है, जब लिटमस के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ब्लू कलर जो है इनका हो जाता है. दे रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनका रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. रिएक्शन विथ एसिड्स. बेसिस रिएक्ट रेडिली विथ एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. जो है बेसिस रिएक्ट रेडिली, ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं जब प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस क्या करते हैं सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरह से जो है इनका रिएक्शन होता है. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. उसके बाद में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस. बेसिस आर वाइडली यूज इन द सोप इंडस्ट्री. सोप इंडस्ट्री में इनका सबसे ज़्यादा जो है यूज होता है बहुत ज़्यादा. मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एंटीसिड्स ऑफ क्यूर एसिडिटी. एसिडिटी के बचाव के लिए जो है इनका यूज किया जाता है. दीज आर वाइडली यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एसिड लाइक इन सॉइल ट्रीटमेंट. और ये इनका
जिससे एसिड का नुकसान होता है उसको न्यूट्रिलाइज करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। फॉर ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट बिफोर लेटिंग दैम मिक्स इनटू वाटर बॉडीज, इनका यूज़ जो है फैक्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे वेस्ट होता है, जो उसको मिक्स करने से पहले वाटर बॉडीज में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट स्लाइम इज यूज इन वाइट वॉशिंग, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होते हैं वाइट वॉश जो होता है हमारे घरों में उसमें यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिससे दाग धब्बे निकालने के लिए जो होता है हमारे कपड़ों पे, ठीक है, उसमें भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिस आर ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, मेडिसिन में, पेपर इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल में, सब में इनका जो है यूज़ किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बेसिस, जो पेट्रोलियम का रिफाइन होता है वो भी उसमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन होता है जो एसिड के साथ बेस का, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो आपस में ये दोनों रिएक्शन करते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, और इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं पानी और नमक, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज टेबल सॉल्ट NaCl दैट इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो मेनली होता है वो ये इसमें एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, इस तरह से इनका जो इस तरह से जो इनका ये रिएक्शन होता है परफॉर्म इस तरह से करते हैं। सम अदर सॉल्ट्स देयर दैट आर कॉमनली यूज्ड आर सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो किस रूप में यूज़ किया जाता है, मेनली वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ये किस नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा के नाम से। पोटेशियम नाइट्रेट कॉमनली नोन एज सल्फ्रेट यूज टू मेक गन पाउडर क्रैकर्स ग्लास एंड फर्टिलाइजर, इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई सम अदर रिएक्शन, सॉल्ट है ना और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ जो है रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, मेटल और एसिड के साथ जो है किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बाद में आता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, मोस्टली ऑल सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मोस्टली जितने भी तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो वाटर में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, घुलने वाले होते हैं। सॉल्ट्स इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट्स इन जो वाटर में सॉल्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। देन आफ्टर अ सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड प्रोड्यूसेस अनदर सॉल्ट एंड एसिड, एक सॉल्ट जो है ना रिएक्ट करता है एसिड के साथ, अगर सॉल्ट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो दूसरी तरह का सॉल्ट और एसिड जो है प्रोड्यूस करता है। अ सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस प्रोड्यूस अनदर बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक दूसरे तरह का बेस और दूसरे तरह का सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद में टू सॉल्ट्स ऑन रिएक्टिंग विद ईच अदर प्रोड्यूस टू न्यू सॉल्ट, अगर दो सॉल्ट जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो दो नए सॉल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिकल रोज में जो काम आता है उसकी हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड, इट इज़ यूजफुल इन जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत सारे फील्ड में जो है हमको यूज़ आता है, जैसे कि इंडाइजेशन जो होता है when due to make of lots of spicy food there become an excess of hydrochloric acid in our stomach, जब हम बहुत ज़्यादा spicy food खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी body में क्या बनना शुरू हो जाता है hydrochloric acid जो है वो बनना शुरू हो जाता है। This is called acidity, जैसे हमने पहले भी बात की थी, इसको हम क्या बोल देते हैं, किसका नाम देते हैं acidity का नाम देते हैं। To neutralize this excess acid, तो हम जब इसको हमें control करना होता है neutralize करना होता है we have to take anti acids, तो हमें क्या लेना होता है anti acids लेने होते हैं। दीज एंटी एसिड्स इंक्लूड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये किस में इंक्लूड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, इट रिड्यूसेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ एसिड, और ये क्या रिड्यूस करता है हमारा जो भी प्रॉब्लम हुई है एसिड से उसको रिड्यूस करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। और हार्ट बर्न मतलब सीने में जो है जलन होती है उस टाइम उसको कम करता है। दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वी फील रिलीव, और ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं कम कर देते हैं जो हमारे बॉडी में एक्सेस तरह से ज़्यादा एसिड बन रहा है और हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। उसके बाद में है आंट एंड बी स्टिंग, जब कोई मतलब जो मधुमक्खी या कोई चींटी काट लेती तब जो होता है द स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, और जो स्टिंग्स होते हैं आंट्स के या बी के उनमें कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होता है,
causes burning in our skin. तो हमारी स्किन में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है. टू गेट इट्स इफेक्ट न्यूट्रलाइज, तो अगर हम इसके जो है इफेक्ट्स होते हैं उससे न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, वी अप्लाई सोडा पेस्ट. हम क्या अप्लाई करते हैं, सोडा पेस्ट अप्लाई करते हैं और कैलेमाइन लोशन या फिर कैलेमाइन लोशन जो है इसके ऊपर लगाते हैं. दैट कंटेन्स बेसिस इन दैम, और इनमें कौन सा कंटेन होता है, बेसिस होता है. ठीक है,